की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी, यातनाएं से पूरी जवानी हार फिर भी नहीं तूने मानी। यातनाएं से पूरी जवानी हार फिर भी नहीं तूने मानी। लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। किसी स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, इस स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे। नीचे अछूते समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा सहता हृदय विह्वल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। अगला बन देखिए, 14 का चित्रण किया। भीमा माई का 14 भारतन, 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ, और 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया, कि भारत में भारी हलचल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। काम फिर भी भीम बाबा तू अनगिनत कर गया, झोलियां जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गया। झोलियां जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गया। और यहाँ लक्षण दे समस्या की हल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। कि जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था, और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। बौद्ध धर्म का दे गया संबल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। कि महाड़ के तालाब पर भी, यानी जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे लोगों को, इन अछूतों को पानी पीने की बात छोड़ी, रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था। कि महाड़ के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था, और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और संघर्ष मई है समता सैनिक दल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। जब तक चंदा सितारे भीम कहानी है तेरी अमर, जब तक चंदा सितारे भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाए पड़ेंगी तुझे तब तक तुझ पे करेंगी फकर, और सुजात तुझ पे लिखे मिल तबल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। जय भी जवानी नो देवी व्यर्थ है इनका ना आधार, भीम राव ने कर डाला इनका बंटाधार। आनंदा इनका बंटाधार। बहुत अच्छे। दूसरा दोहा पढ़ता हूँ। वाह। कि कर्म कांड को त्याग दो,
ना करो इसे स्वीकार, मनुवाद में घिरना है जानो बुद्ध विचार, आनंदा जानो बुद्ध विचार। बहुत अच्छे, एक और दो मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, तीन तत्व तू जान ले, हाँ तीन तत्व तू जान ले, प्रज्ञा करुणाशील। बहुत अच्छे, बौद्ध धर्म अपनाए तो मन जीवन बने सुशील, आनंदा जीवन बने सुशील। बहुत अच्छे। और एक दोहा पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। वाह, कि कलुषित धर्म को त्याग के, कलुषित धर्म को त्याग के मन की गई है पीर, कलुषित धर्म को त्याग के मन की गई है पीर, बौद्ध धर्म अपनाए के मनवा हुआ फकीर, आनंदा मनवा हुआ फकीर। कवि दूसरे कवि का सगा नहीं होता है बल्कि घर बर्बाद करता है। एक मेरे कवि ने मुझे सलाह दी कि भाई जोक लिखते हो, हास्य लिखते हो तो बीबी पे लिखा दो। साहब समझता तो था मैं कि ये ईमानदार नहीं होते, लेकिन सलाह देने में फिर भी मैंने गलती कर डाली और अपनी पत्नी पे, सगी पत्नी पे कुछ असर। पहली बार अपनी सगी पत्नी पे को फेंका जो, सगी पत्नी थी ना, डाउट नहीं, पहली बार अपनी सगी पत्नी पर फेंका जो, वो तो चिपक गई जैसे जो, वो तो आ चुकी जैसे जो, और मैं पसीना पसीना बहुत कोशिश करी, वो तो हटाए से भी हटी ना हटी ना हटी। मैंने क्या अच्छा, मैंने कहा अच्छा तो ले ले चख चख नमक नमक। मैंने कहा ले चख चख नमक नमक। बड़ी मुश्किल से हटी और टूटते ही बोली, दुनिया मर रही है तू कब मरेगा। मैंने कहा भाई दुनिया मर रही है तो वो गलती कर रही है, मैं दोबारा तुझ पे क्यों मरूं, मैं मरूंगा भी तो दोबारा तुझ पे नहीं मरूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा। भूल गई जब पहली बार मरा था, 14 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था, तुम्हारा बाप ससुर कहने लायक था नहीं, और यकीन मानिए मुझे ससुर बनाना पड़ा। यकीन मानिए मुझे वो ससुर बनाना पड़ा था, तब जाके बाहर निकला। और तुम चाहती हो अब मैं दोबारा मरूं, वही गलती करूं, भाई मरूंगा तो किसी और पे मरूंगा, और किसी और पे क्यों, सीमा पे मरूंगा, और किसी और पे करो मैं सीमा में मरूंगा, और ऐसे नहीं 10-20 को मार के मरूंगा। तेरे सिंदूर का नाम रोशन करूंगा, मरूंगा तो सीमा पे मरूंगा। वाह वाह वाह।
विदेश हुआ था गुलाम सलाम सबने मारी, जब देश हुआ था गुलाम सलाम सबने मारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, जब देश हुआ था गुलाम सलाम सबने मारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, गोरों ने देश कब जाया आपस ने सबको लड़ाया, गोरों ने देश कब जाया आपस में सबको लड़ाया, चांदी सोना सभी लूटा कुछ नहीं था उनसे छूटा, ले गए सभी कुछ लूट फूट हमें डारी, ले गए सभी कुछ लूट फूट हमें डारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, बाबा ने हमें बताया करो कर्म मिलेगी माया, बाबा ने हमें बताया करो कर्म मिलेगी माया, हर जन की करी भुलाई देखो उसकी चतुराई, किए राजा रंक समान बाबू रे अधिकारी, किए राजा रंक समान बाबू रे अधिकारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, दिया नारी को सम्मान रखा सबका स्वाभिमान, दिया नारी को सम्मान रखा सबका स्वाभिमान, गरीबों को दिया सहारा हक नहीं किसी का मारा, किया पंचशील फिर चार न कोई हिम्मत हारी, किया पंचशील फिर चार न कोई हिम्मत हारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, दल दल से दलित निकाले छुआछूत के तोड़े ताले, दल दल से दलित निकाले छुआछूत के तोड़े ताले, शिक्षा सबको दिलवाई चाहे राजा चाहे रंक है राजा भाई, रोकी सारी रुसवाई जान सब नर नारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, तोड़े ब्रह्म झूठ के सारे खोले जनहित ज्ञान पिटारे, तोड़े ब्रह्म झूठ के सारे खोले जनहित ज्ञान पिटारे, जो पढ़े ज्ञान पाएगा निज मंजिल अपनाएगा, तू ले सच्ची सौगंध भीम बन आभारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, संविधान बना जब अपना हुआ सब कही पूरा सपना, संविधान बना जब अपना हुआ सब कही पूरा सपना, हक सबको समान बोला एक ही पलड़े में तोला, मत का दे दिया अधिकार रंक चाहे रजवाड़ी, मत का दे दिया अधिकार रंक चाहे रजवाड़ी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, संविधान है सबसे न्यारा कहता है जग ये सारा, संविधान है सबसे न्यारा कहता है जग ये सारा, सूची है तीन बनाई सब जातियां इसमें समाई, जाति को करो न बखान जाति का करो न बखान, देखो सूची सारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, निज बनाओ तुम पहचान कहता है चतुर सुजान, निज बनाओ तुम पहचान कहता है चतुर सुजान, ना करो अंधविश्वास बन कर गैरों का दास, तुम करके अपना कर्म छीनो हक सरकारी, तुम करके अपना कर्म छीनो हक सरकारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी, लिखा बाबा ने संविधान बढ़ती बड़ी होशियारी। जय हिंद। शिक्षा संगठन और संघर्ष,
शिक्षा संगठन और संघर्ष बनाता है निर्भय और एक साथ सब जोर से बोले संविधान की जय। संविधान की जय। ठीक है। बुद्ध भीम के पथ पर चलकर पाए विश्व विजय, एक साथ फिर जोर से बोले बाबा भीम की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ दो पंक्तियां भगवान बुद्ध को समर्पित। वीणा के तारों का ढीला न छोड़ो। बहुत अच्छे। वीणा के तारों को कस के ना तोड़ो। वाह 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 वाह, क्या कहने। ऐसा सामंजस बनाओ उनमें से निकले मधुर मधुर धुन। भारत की धरती आपसे है पावन। हे बुद्ध भगवन, हे बुद्ध भगवन। मैं आज संविधान की रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, लेकिन जैसे हमारी बहन पुष्पा विवेक जी ने महिलाओं के लिए कुछ पंक्तियां कही, इसी प्रकार से मैं भी चार पंक्तियां केवल बेटी के संरक्षण के ऊपर सुनाना चाहती हूं। बेटी नहीं वरदान हूं, बेटी नहीं वरदान हूं, मैं खुशियों का आह्वान हूं, मत कोख में मारो मुझे, मैं सृष्टि का निर्माण हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटी नहीं वरदान हूं। वाह। माँ बाबा, क्या मैंने कभी आपकी किसी बात को टाला है? वाह। माँ बाबा, क्या मैंने कभी आपकी किसी बात को टाला है? वाह। मैंने तो सबके अनुसार अपने आप को ढाला है। वाह वाह वाह। खाना खाती दस बार उठूं, मैं रखती सबका ध्यान हूँ। बेटी नहीं वरदान हूँ, मैं खुशियों का आह्वान हूँ, मत कोप में मारो मुझे, मैं सृष्टि का निर्माण हूँ। वाह वाह। महसूस जिसे बस कर सको, मैं तो वो सुखद एहसास हूँ। महसूस जिसे बस कर सको, मैं तो वो सुखद एहसास हूँ, जिससे अपना गम बांट सको, मैं तो ऐसा विश्वास हूँ। वाह 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 वाह। आपकी प्रत्येक समस्या का मैं एकमात्र समाधान हूँ। बेटी नहीं वरदान हूँ, मैं खुशियों का आह्वान हूँ, मत कोख में मारो मुझे, मैं सृष्टि का निर्माण हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत का संविधान, भारत के संविधान के ऊपर मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। 26 नवंबर सन 49 में संपूर्ण हुई रचना। 26 जनवरी सन 50 में बना राष्ट्रीय त्योहार। गणतंत्र दिवस के रूप में मुझे जानता संसार।
भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। मेरे ही निर्माण के कारण भारत देश हुआ आजाद, खुली हवा में सांस ली सबने, बदला जीने का अंदाज। टूटी गुलामी की जंजीरें, स्वतंत्र हुआ विचार, और आजादी का स्वप्न सुनहरा हो गया साकार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। शोषित पीड़ित दुखी वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर, जीना है सम्मान से सबको और बनना है निडर। नहीं मांगने से मिलता है कोई भी अधिकार, इसे छीनना पड़ता है कर मन में सोच विचार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। नारी जाति के जीवन में नई क्रांति का उदय, जीना है सम्मान से सबको और बनना है निर्भय। तकिया नूसी सोच का तुम्हें करना बहिष्कार, जिंदगी के हर क्षेत्र में बराबर की हो हकदार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। कहे विशाखा संविधान जग में महान है, भारत देश का ये गौरव आन बान और शान है। बाबा साहब ने सभी पर कर दिया उपकार, और इसीलिए तो इनके आगे नतमस्तक संसार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार समता बंधुता पर आधारित, मैं जन जन का अधिकार। जय भीम। के है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, वाह है बहुत अंधियार फिर भी कब किस तरह, अब कोई सूरज निकलना चाहिए और छीनता हो हक भूख उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं सोना निकलना चाहिए। वाह बहुत अच्छे साथियों, इन टिमटिमाते चरागों से रोशनी की उम्मीद नहीं, आग आंखों से जलेगी तो उजाले होंगे। वाह, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ताली मत बजाओ, कोई बात नहीं। क्या कितना इतना खो गए कि मतलब बोलिए। मैंने रात एक सपना देखा, महिलाओं के पक्ष की बात है जो आजकल समय चल रहा है। मैंने रात एक सपना देखा जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, सहेली भी थी, सपाटी भी थी, बहुत प्यार करती थी मैं उससे। उसका हाल बेहाल था, मैंने सपना देखा, मैं उसके घर गई और मैंने कहा तेरा हाल बेहाल क्यों है, तो उसने कहा कि क्या पूछते हो मेरे हाल का, मैं हाल बेहाल क्यों हूँ वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। वाह स्वागत है। उसने उतार रखे थे सारे गहने, अपने कपड़े, यहाँ तक कि उसने सब कुछ मंगलसूत्र वगैरह सब उतार दिया था, और वो कहने लगी कि आज मैं अपने ही घर में पराई हूँ, कभी मेरा इस घर में राज था, आज मैं अपने घर में पराई हूँ, आज मेरी ही संतान मुझे घर से निकाल रही है और मुझे कंगाल बना रही है, आज वो ऐसी लड़की को नहीं आया जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसे पसंद है, कम से कम उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि तेरी पसंद है तो अपने तक रखे,
परिवार को अलग रखे और परिवार से दूर रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महिलाओं की बात बंद करती हूँ, बाबा साहब में चार पंक्तियां सुनाती हूँ। वाह, स्वागत है। के निशान नाम को बेबाक ना होने देंगे। वाह, निशान नाम को बेबाक ना होने देंगे, आंचले आबरू को चाक ना होने देंगे। अरे बाबा तेरे पाक पद्मों की कसम, तेरे दामन को कभी नापाक ना होने देंगे। वाह 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 वाह। तो बाबा साहब के लिए कुछ प्रस्तुति है और आपको पसंद आएगी। हे राष्ट्र निर्माता उत्कृष्टा, हे राष्ट्र निर्माता उत्कृष्टा, दलितों के पालनहार। वाह, हे राष्ट्र निर्माता उत्कृष्टा, दलितों के पालनहार, इतिहास पुरुष थे क्रांति जयी, तुम पौरस के अवतार, तुम पौरस के अवतार। बहुत अच्छे। उद्दान करेंगे पौरस की, उद्दान करेंगे पौरस की, सिद्धांतों के कायर तुम, दर्द समेटे दलितों का, अंदर हृदय से घायल तुम। बहुत अच्छे। हृदय से घायल तुम। बहुत अच्छे। शोषित दलितों के ते मसीहा। वाह, शोषित दलितों के ते मसीहा, नारी मुक्ति के करंधार, इतिहास पुर से क्रांति रही, तुम पौरस के अवतार, तुम पौरस के अवतार। बहुत अच्छे। भरी सदन की सिंह गर्जना, भरे सदन की सिंह गर्जना, दलितों पर क्यों अत्याचार, जीवन भर संघर्ष किया, किया बौद्ध धर्म को अंगीकार, किया बौद्ध धर्म को अंगीकार। तूफानों में खड़े रहे, तूफानों में खड़े रहे, चट्टान बने तुम खड़े रहे, नहीं झुका पाया तुमको अन्न जुलम और अत्याचार, तुम पौरस के अवतार, तुम पौरस के अवतार। बहुत अच्छे। जीवन दान दिया उनको, जीवन दान दिया उनको जो सर्वहारा कहलाते हैं, जीवन दान दिया उनको जो सर्वहारा कहलाते हैं, संविधान बनाया भारत का जिसको हम सब चीज झुकाते हैं, इतिहास भुलाना पाए कभी, इतिहास भुलाना पाए कभी, किया दलितों का उद्धार, नारा लगा जय भीम का एक दिन, करते हम सब जय जयकार, करते हम सब जय जयकार। अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे, वो हुनर पैदा करो। वाह वाह। और चाहते सम्मान से जीना अगर इस देश में, चाहते सम्मान से जीना अगर इस देश में, साथियों हर घर में एक अंबेडकर पैदा। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, क्या कह रहे। साथियों हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और लिखी। वाह। कहीं से भी मंगाकर एक छोटा और सुंदर सा, वाह, कहीं से भी मंगाकर एक छोटा और सुंदर सा चित्र एक बाबा साहब का बिठा लो मन के दर्पण में। वाह, एक सुंदर सा, कहीं से भी मंगा कर एक छोटा और सुंदर सा चित्र एक बाबा साहब का बिठा लो मन के दर्पण में, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको हरगिज। वाह, तथागत बुद्ध खुद ब खुद उतर आएंगे जीवन में। तथागत बुद्ध खुद ब खुद उतर आएंगे जीवन में। बहुत अच्छे। और चार पंक्तियां। वाह। कि छुपाने दो उजालों को बड़ा से जो छुपा लेंगे, छुपाने दो उजालों को बड़ा से जो छुपा लेंगे, अंधेरों में पड़े हैं हम, अंधेरे हमसे क्या लेंगे। वाह 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 वाह। अंधेरे में छुपाने दो उजालों को बड़ा से जो छुपा लेंगे, अंधेरों में पड़े हैं हम,
अंधेरे हमसे क्या लेंगे, वह अहद रख कर लिया हमने अंधेरों को मिटाने का। वाह 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 वाह, अहद रख कर लिया हमने अंधेरों को मिटाने का, जोड़ कर जगनुओं को हम अलग सूरज बना देंगे। वाह 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 वाह, जोड़ कर जगनुओं को हम अलग सूरज बना लेंगे। छुपाने दो ज्ञानों को बड़ा से जो छुपा देंगे। अंधेरे हमें पड़े हैं हम, अंधेरे हमसे क्या लेगा। वाह वाह वाह, इसी कड़ी में मैं चार पंक्तियां यूपी से उठा के लाया हूँ। स्वागत है कि चाय गाय गाय चल गई भाई चादर। वाह 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 वाह, चाय चाय नहीं गाय 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 चल गई भाई चारा, सांड चल गए हरियाली और भगवा पंथी बोल रहे हैं इसी देश की खुशहाल। गाय चल गई भाई चारा, सांड चल गए हरियाली, भगवा पंथी बोल रहे हैं इसे देश की खुशहाली और भारत के विकास का सपना सपना ही रह जाता है। भारत के विकास का सपना सपना ही रह जाता है। हम बिल्ली को सौंप रहे हैं दही दूध की रखवाली। वाह 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 वाह, हम बिल्ली को सौंप रहे हैं वाह दही दूध की रखवाली। वाह बहुत अच्छे, गाय चल गई भाईचारा, सांड चल गए हरियाली, वाह और भगवा पंथी बोल रहे हैं इसे देश को खुशहाली। वाह, एक गजल के चंचे। वाह इरशाद, गजल कि तुम समझे हो जिन लोगों को सागर से भी गहरी है। वाह वाह, तुम समझे हो जिन लोगों को सागर से भी गहरे हैं, सच तो ये है सिर्फ हवा के एक झोंके पर ठहरी है। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, सच तो ये है सिर्फ हवा के एक झोंके पर ठहरे हैं। बहुत अच्छे, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से इतना तो मालूम हुआ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से इतना तो मालूम हुआ ईश्वर है या नहीं इसका पता तो नहीं चला, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से इतना तो मालूम हुआ मजहब की इस चकाचौंध में बहुत घिनौने चेहरे हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने साहब, मजहब की इस चकाचौंध में बहुत घिनौने चेहरे हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो ही गुलशन ने नई बहारें लाएंगे। वाह अच्छे दिन, वाह कहते हैं वो ही गुलशन ने नई बहारें लाएंगे, पतझड़ के मौसम से जिनके रिश्ते नाते गए। वाह 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 वाह, बधाई हो बधाई, बहुत अच्छा। कहते हैं गुलशन ने वो ही नई बहारें लाएंगे, पतझड़ के मौसम से जिनके रिश्ते नाते गहरे हैं। वाह, वो कैसा लोकतंत्र है जिसमें हत्यारे निर्भीक थे। वाह वाह, कैसा लोकतंत्र है जिसमें हत्यारे निर्भीक थे और अमन के रखवालों के दरवाजों पर पहरे। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह,
और अमन के रखवालों के दरवाजों पर पहरे हैं। वाह। और अमन के रखवालों के दरवाजों पर पहरे हैं। और इसी कड़ी में कभी कभी कोई अच्छी गजल के शेर में पढ़ने लगता हूँ। वाह। तो अब ये जो हमारे सामने हमारे जो सुनने वाले बैठे हैं उनको उनका अब ये है कि वो किसको किस शेर को पकड़ते हैं, किस शेर को शेर टूट जाता है। मैं पढ़ता हूँ गजल, एक गजल पढ़ने का साहस करता हूँ आपके सामने। वाह। कि आहों से कबीर साहब ने कहा कि निर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो साल भसल हो जाए। वाह। मैंने वहीं से कुछ पंक्तियां उठाई कि आहों से लोहा तो मिलेगा, आहों से लोहा पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत। वाह 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 वाह। आहों से लोहा पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। मत रहना। वाह। कि कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। वाह। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। वाह। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। वाह 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 वाह। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। वाह। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। कि भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। वाह वाह वाह। भारत के जर्रे जर्रे में, भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। भारत के दर्रे दर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। और भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है। वाह 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 वाह। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे को। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। अगर चाहते हो विकास, खुलकर सड़कों पर आ जाओ। खुलकर सड़कों पर आ जाओ। अगर चाहते हो विकास, खुलकर सड़कों पर आ जाओ, सरकारी अमला सुधरेगा इस धोखे में। प्रकृति का वरदान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, सारे जहां में प्रकृति का वरदान है नारी। प्रतिभाशाली विश्व का श्रृंगार है नारी, जीवन भर सभ्यता शिष्टाचार है नारी, प्यार और सम्मान की हकदार है नारी, देश के संविधान से गुलजार है नारी, जग के हर क्षेत्र में कीर्तिमान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, सारी दुनिया में बनी विश्वास है नारी, आदि से अंत तक भी इतिहास है नारी, सफलता का सदा करती प्रयास है नारी, छोटी बड़ी त्रुटियों का भी एहसास है नारी, सदा श्रेष्ठ जग की शोभायमान है नारी,
सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी। मानवता समता के नजदीक है नारी, हर क्षेत्र में सहपाठी सटीक है नारी, महिला पुरुष उत्पाद की प्रतीक है नारी, निज पैरों पर खड़ी अब कम आस्तिक है नारी, अभिलाषाओं से भरी श्रद्धावान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, राजनीति बिजनेस के करती काज है नारी, कितने देशों में चला रही राज है नारी, पुलिस नौसेना में चलाती जहाज है नारी, वायु सेना के क्षेत्र में पहुंची आज है नारी, उड़ती आकाश चलाती वायुयान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, हर क्षेत्र में सफल संचालक है नारी, बहुत से पदों पर बनी नायक है नारी, निगम पार्षद एमपी विधायक है नारी, प्रकृति के नियम से आवश्यक है नारी, देश जहां हर घर की मुस्कान है नारी, सारे जहां में सौंदर्यता की पहचान है नारी, बहुत अच्छे। इंजीनियर बनती कलेक्टर है नारी, एडवोकेट बनी है बैरिस्टर है नारी, राज्यपाल चीफ मिनिस्टर है नारी, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर है नारी, यहां के गुणों में सदा गुणवान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, शिक्षित होकर जी रही स्वाभिमान से नारी, स्वयं संरक्षित होंगी संविधान से नारी, फलीभूत है भीमराव के एहसान से नारी, क्यों डरती हो तुम पत्थर के भगवान से नारी, कानून की ताकत से बलवान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, मानो या ना मानो किया एहसान भीम ने, नारी वंचितों का किया उत्थान भीम ने, हर मानव को दिया है सम्मान भीम ने, कभी नहीं किया अपना गुणगान भीम ने, हितकारी सन्मार्ग से दयामान है नारी, सामाजिक सौंदर्यता की पहचान है नारी, सारे जहां में प्रकृति का वरदान है नारी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यह भारत बहुत अच्छे, कि ऐसा कौन दीप जलाऊं मैं जिससे आंखों का तिमिर हटे, कौन सा राग अलापों में जो रहा मुखपन सदे घटे, क्या फोकू सोले ज्वाला के जो बन तूफान उड़े, दवा करो कौन सी तरियार जिससे मुर्दों में जान पड़े, उदासीन कलिया मुस्काए कैसे, मानव को मान मिले कैसे, हर साख पे उल्लू बैठा जहा, मानव को मान मिले उजड़ा हुआ चमन खिले कैसे, हर ना पाए दुख का अंधियारा, मिलकर सूरज चांद सितारे, ईश्वर अल्लाह सब फेल हुए, मानव मानव के बने हत्यारे, कह कमल भीम राव ही है इसका हल, हाथ में ले लो भीम ज्योति, दुनिया में कर दो तुम हलचल, दुनिया में कर दो तुम हलचल, जय भीम जय भारत।